हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं महर्षि महेश योग आश्रम, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और मेरे साथ दो आज हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और विजय कुमार। फाइनली गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री फीस का बोर्ड लगाया गया है। चलो कोई नहीं, उसको दिखा देते हैं। ये सब कुछ यहाँ देखो, 84 टाइप के हैं। यहाँ पे कुटिया बनाई गई है, ऐसे यहाँ पे 84 कुटिया हैं। यहाँ पे आप चाहे तो उसके अंदर जा सकते हैं। दिखाता हूँ, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। ये एंट्री गेट है और यहाँ पे आपको 84 कुटिया ऐसे मिल जाएंगे। काफ़ी पेंटिंग की गई है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पे आके पेंटिंग कर देते हैं, कुछ भी जो मन में है। ठीक, करना नहीं चाहिए। सीढ़ियाँ बहुत खस्ता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई है। अरे कितना छोटा जगह है यार ये, बहुत छोटी छोटी जगह। नहीं दिख रहा है तो आपको नंबर लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं, 40 नंबर। ऐसे यहाँ पे हर कुटिया पे लिखा हुआ है। चलते हैं ऊपर की ओर। टूट चुके हैं देखिए यहाँ पे दीवारें काफी। टू डेंजरस बाथरूम लग रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड है कैंटीन सामने।
आजादी के बाद कैंटीन एग्जीबिशन टॉयलेट्स इधर की और महाराष्ट्र जी की फोटो है बाहर से भी इसका अच्छा काफ़ी है चौरासी कुटिया कैंटीन यहाँ से कोई रास्ता गया बुक करना बता इस बिल्डिंग आप देख सकते हैं सेल्फी स्टिक में हाथ हिल रहा है इसके लिए भी हाथ में दम होना चाहिए चलो वहाँ देख लिखा है बीटल्स उग रहा वेद भवन इज कॉल्ड चलते हैं अंदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पर कोर्स देख सकते पार्टिसिपेशन ज़्यादा पुराना नहीं है ये सब समझ नहीं रहा अभी अरे कुछ भूल मेरे दिक्कत क्या है भाई तुम्हें अंदर भी बना पड़ा है अंदर तो पेंटिंग बनी है चला गया चलो ऊपर जाना पड़ेगा चल अरे चलो सब अपना भी है ऊपर चलते हैं चलो बस यहाँ पे कनेक्शन काफी था ये पहले की बनी पड़ी थी कि बाद में पेंटिंग काफी बात ही है देखिए टाइगर बना दिया यहाँ पे इधर क्या टॉप पे हम आ चुके हैं देखिए अभी इसके ऊपर भी चलना है इसे मैं आपको अंदर का नीचे का दिखाता हूँ ये देखिए टॉप पे आ चुके हैं